हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो फिल्मी ज्ञान। दोस्तों, आज फिर से हमारे बीच मौजूद हैं जाने माने एक्टिंग गुरु, टैलेंट मेंटर मिस्टर विपिन कुमार। हेलो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच समीरा। दोस्तों, मैं विपिन कुमार, एक्टिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबको नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं सक्सेस गेट फिल्म एकेडमी में। दोस्तों, ये फिल्मी ज्ञान का एपिसोड जो मकसद बन चुका है, दोस्तों, जो भी नए कलाकार हैं उनको अच्छी जानकारी देना, अच्छी तालीम देना, उनको हर नॉलेज शेयर करना ताकि वो बॉलीवुड में आए और अपना करियर बनाए। दोस्तों, आज समीरा फिल्मी ज्ञान एपिसोड लेके आई हैं, कुछ क्वेश्चन ये पूछेंगी और मैं कोशिश करूंगा उसका बड़ी बखूबी, उसका क्लियर कट आंसर आपको दूं ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। यस समीरा, आज का क्वेश्चन आप क्या लेके आई हैं, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर, हमारे जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि बॉलीवुड में टीवी एक्टर बनने का क्या शॉर्टकट है। वाओ वाओ, व्हाट अ लवली क्वेश्चन। समीरा, क्या ये क्वेश्चन आपका है या ये ऑडियंस के लिए पूछ रही हैं आप? हमारे व्यूअर्स का भी है और डायरेक्टली शॉर्टकट जाना चाहते हैं कि किस तरीके से बॉलीवुड में टेलीविजन एक्टर में किस तरीके से टेलीविजन एक्टर बन सकते हैं, एक्ट्रेस बन सकते हैं, ये कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। समीरा, थैंक यू सो मच जो आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा और मैं इसका डिटेल में आंसर देना चाहता हूँ। सो कैन आई स्टार्ट? क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पॉइंट नंबर वन, यहाँ पे समीरा, यहाँ पे ऑडियंस को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या आपको एक्टर बनना पसंद है, क्या आप इस प्रोफेशन से प्यार करते हो, क्या आप जब ये काम करते हो एंजॉय करते हो। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से प्यार नहीं करते, आप उस चीज़ में बेहतर नहीं कर सकते, राइट? सो पॉइंट नंबर वन, आप इस चीज़ को देखें कि क्या आप अपने चीज़ को, प्रोफेशन को उसी शिद्दत से चाहते हो जैसे आप अपनी चाहत को पाना चाहते हो। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, यहाँ पे स्पेशली एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा समीरा। कई सारे ऐसे बच्चे बच्चियाँ हैं जो अलग अलग क्षेत्र से, कोई यूपी से, कोई झारखंड से, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई उड़ीसा से, कोई महाराष्ट्र के छोटे छोटे गाँव से, राइट? अलग अलग क्षेत्र से लोग मुंबई आते हैं बिना बताए, कई लोग भाग के आ जाते हैं। उन सबसे मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, आप लोग ऐसा ना करें, अपने पेरेंट्स को बताएं और उसके बाद मुंबई आएं। यानी पॉइंट नंबर टू, पेरेंट्स गाइडलाइन। क्या है? पेरेंट्स गाइडलाइन। एग्जैक्टली, पेरेंट्स गाइडलाइन, अपने पेरेंट्स से आप पूछें और उसके बाद आप मुंबई आएं। पॉइंट नंबर थ्री, यहाँ पे समीरा बोलना चाहता हूँ कि मुंबई तो आना ही पड़ेगा, मुंबई तो आना ही पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट, आप मुंबई आना ही पड़ेगा आपको। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि बॉलीवुड का हब जो है वो मुंबई है, यहीं पे ऑडिशंस होते हैं, यहीं पे शूट होते ज़्यादातर, यहीं पे सारे प्रोडक्शन हाउस के ऑफिसेज हैं, तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। yes, अब आती है पॉइंट नंबर फोर, वो है लर्निंग। क्या है? लर्निंग। एग्जैक्टली माई डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई शॉर्टकट के चक्कर में आप ना पड़ें, आप सबसे पहले सीखने पे फोकस करें। अगर आप सीखेंगे, बेहतर बनेंगे, टैलेंटेड बनेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे, हजारों में एक बनेंगे दोस्तों, लाखों में एक बनेंगे, तभी आपकी चाहत को लोग एक्सेप्ट करेंगे, तभी आपके टैलेंट को, हुनर को लोग एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि आपको सीखने में फोकस करना है। क्या करना है? एग्जैक्टली अगर आप चाहें सक्सेस एट फिल्म एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं, पूरा का पूरा आपको सिलेबस सिखाया जाता है, थिएटर प्रैक्टिस कराया जाता है, ऑडिशन ट्रेनिंग दी जाती है, कैमरा ट्रेनिंग, थिएटर एक्टिंग आपको सिखाने के बाद हम लोग आपको ऑडिशन के लिए गाइड करते हैं। यानी पॉइंट नंबर फाइव है ऑडिशन। क्या है? एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड्स, आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सब सिर्फ और सिर्फ ऑडिशन से ही काम पा सकते हैं, देयर इज नो शॉर्टकट। किसी को भी लाख रुपए, दो लाख रुपए देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, कैसे ऑडिशंस होते हैं, सक्सेस गेट जो कास्टिंग एजेंसी है, हमारी जो सक्सेस गेट कास्टिंग एजेंसी, हम आपको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप जा सकते हैं, कैसे कैसे ऑडिशंस दे सकते हैं, राइट? और सबसे लास्ट में है दोस्तों, सब्र रखो, धीरज रखो, मुंबई में बने रहो, टिके रहो। अगर आप मुंबई आप छोड़ दोगे, यानी आपका कुछ नहीं हो सकता, मुंबई आपको रहना पड़ेगा। आप चाहें तो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं और मुंबई में रह के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, ये डिटेल में मैंने आपको आंसर दिया, यही प्रूवन तरीका है। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्षेत्र में समय नहीं दोगे, किसी भी क्षेत्र में अगर आप वक्त उसमें नहीं देंगे दोस्तों, आप उसमें बेस्ट नहीं बन पाएंगे। तो आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब सीखने पे फोकस करें, लर्निंग पे फोकस करें और डेफिनेटली दोस्तों आप एक्टर बनेंगे। और हाँ, अगर आप हमसे इंक्वायरी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे जो नंबर है उस नंबर पे फ़ोन करें, पूछें हमारे काउंसलर से कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है, डेफिनेटली हमारी टीम आप सबको हेल्प करेगी। समीरा, एट द एंड आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी तरह से आंसर दिया। थैंक यू सो मच समीरा। और दोस्तों, इसी तरीके से जुड़े रहने के लिए, हमारा वीडियो बार बार देखने के लिए, मैं विपिन कुमार और समीरा इस शो को होस्ट कर रही है। बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया शो को। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।